야. केरला, दक्षिण भारत, 1937. साहब, हमें फिर से रास्ता बदलना पड़ेगा. यह ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे टेढ़ा रास्ता होगा. जी बिल्कुल, पर बारिश के बाद भी बचा रहेगा, सीधा रोड बह जाता. हम इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे, ठीक है? नीलहन रोड कैसा रहेगा? अच्छा है. होगी दालचीनी, काली मिर्च, इलायची. तुम्हारे लिए, ठीक है, एक तोहफा. मेरे लिए साहब? थैंक यू साहब. गुड आफ्टरनून. ये क्या है? एक पूरी खबर है. ओह डियर, शायद खत्म हो गया. हमें इसका फौरन इंतजाम करना होगा. रोड बनाने में सबकी मदद चाहिए होगी. हाँ हाँ, हम मदद करेंगे.
I love cow. I'm an old cowhand from the Rio Grande, but my legs ain't bone. No, ye gana nahi. And my cheeks ain't tan. No, I don't like. I'm a cowboy who never saw a cow, never roped a steer, cause I don't know how. Come on, you ain't a fixin' to start up now. Oh, yippee-i-o kaye. Oh, yippee-i-o kaye. ध्यान से उठाइए, हाँ थोड़ा और अंदर, हाँ थोड़ा दाएं को, हाँ अंदर, शायद इन्हें सफेद चमड़ी पसंद है। हाँ बस ये हमें यहाँ इस जगह नहीं आना चाहिए था। हम फंस सकते हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तू डरता है क्या? जब हम पैदा होते हैं तो मुट्ठी ऐसे होती है, तब हमारी लकीरें बनती हैं, ये ये और ये, सारी की सारी, सबकी अलग अलग होती हैं। और फिर जब हमारी लकीरें मिलती हैं, वो है हमारी तकदीर, देखा? और जीते जी हम चीज़ें बटोरते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अपना बनाकर कस के पकड़ लेते हैं, और जब दुनिया छोड़ देते हैं तो सब खत्म, हाथ खुले, कुछ नहीं रहता। चलिए कैसा रहा आज का दिन? ठीक है, आदमी कम तो नहीं? बहुत लोग हैं, सब काम करना चाहते हैं, कह रहे कि रास्ता आसमान छुएगा। फिर उन्हें बताना चाहिए था कि उसका नाम नीलन रोड होगा। सजाने सजाने अंधेरा होने वाला है, तुम्हें अकेले घर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मोटर से तुम्हें गांव छोड़ देगा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। ठीक है, मोर्ज ने तुम्हें घर छोड़ने को क्यों कहा? मुझे क्या पता? सजानी, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। आगे। 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 आगे।
बहुत देर हो गई, कहाँ चली गई थी? इतनी देर तक कहाँ मर रही थी बताओ, कहाँ थे तुम? तुम मेरी बीवी हो और ये बात कभी मत भूलना। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझे? मैं भी बनाती हूँ ना खाना। मैंने पूछा इतनी देर तक कहाँ थी, बताओ कहाँ थी? तेरे तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे, तू ऐसे नहीं मानेगी। बहुत आसानी से फंसा, अंग्रेजों के साथ रहते रहते नाजुक बन गया क्या? You can let me go now. क्या क्या बोला क्या बोला? मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है ना? Then maybe you should practice more. अरे ओ तेरी, तूने खरीदी? गिफ्ट में मिली, तुम्हारे साहब ने दी? हाँ, दे। खाने में क्या है? हाँ, आजा खाना खा के जा, चलना। मैं परिवार में सबके घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या पका है, फिर फैसला करता हूँ कहाँ खाऊंगा। जीजा ने बोला दीदी बैंगन भरता बना रही है, नीलन भी खाएगा? आओ खा लो। नहीं नहीं, क्या नीलन, घर जाऊंगा रे। चले खाना लगा, चल बाय। तू भी चल। माँ? नीला, खुशी है जी। How are you? ठीक हूँ माँ, गुड गुड। ये ले देखो हमारा बेटा क्या लाया, दवाई इंग्लैंड से। आ आ अच्छी नहीं। सुना है तुम्हारा साहेब सड़क बनवा रहा है यहाँ पर? हाँ, काम शुरू होने वाला है। पहले चाय, अब मसाले, आगे न जाने क्या क्या। बहुत अच्छा है, हमारे लोगों को काम मिलेगा। अच्छा स्कूल, अच्छा दवा खाना। हमारे लोग उनकी मदद के बगैर युगों से जी रहे हैं, कोई तकलीफ हुई हमें आज तक? सुनो इसका नए विचार। आपने ही मुझे अंग्रेजों के स्कूल में भेजा था। आपने कुछ खाया नहीं। सुना तुमने, मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। थैंक यू सर। नए रोड के नाम, नई खुशहाली के नाम जो वो लाएगा, और हमारे नाम मैन ऑफ द फ्यूचर। मैन ऑफ द फ्यूचर। थैंक यू सजानी को गांव छोड़ने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वहां गांव में सब कैसा है? गांव तो गांव है साहब, वहां कुछ नहीं बदलता। तो सब शांत? जी साहब शांत। गुड।
हमारे देश की आजादी हमारी आजादी है और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक अंग्रेज यहाँ है हमारे दिलों को शांति नहीं मिलेगी। हम आजाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत माता की आजादी हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। ये हमारा धर्म है और अधिकार भी। हमें अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। फेरी पहुंचने से पहले ही मैं बाहर आ जाऊंगा साहब। गुड लक। मॉर्निंग चार्ल्स। हेनरी हेनरी, कैसी रही फिर जंग? बहुत ही अच्छी रही। सारे मजदूर जमा हो गए और काम शुरू करना चाहते हैं। गुड गुड। तो तुम्हें पूरा विश्वास है तुम ये करना चाहते हो? एक प्राइवेट रोड बनाना बहुत बड़ा जोखिम है। मेरे बैंक के लोग तुम्हारा घर और तुम्हारा बगीचा लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। बैंक वाले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कि तुम जंगल में कुछ ज्यादा ही देर रहे। सब सोचा है मैंने चार्ल्स। ये बात है वक्त की। इंडिया बदल रहा है। राज या नो राज पर मसालों की मांग तो बढ़ती ही चली जाएगी। ये बात तो आप जानते हैं। हाँ, पर बारिश में क्या होगा? तुम्हें यकीन है तुम्हारा ये रोड टिक पाएगा? ये रोड टिकेगा। गुड। क्या? कुछ नहीं। हा? चल भाग। हाँ। नीलन। हेडमास्टर। हेडमास्टर। अब इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं। मुझे महीनों पहले स्कूल से निकाल दिया गया है। मुझे पता नहीं था। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, मेरा मानना है कि मैंने ही उन्हें मजबूर कर दिया था। देखो, तुम्हारे स्कूल के कई साथी हमारे साथ आ जुड़े हैं। तुम जैसे समझदार नौजवान के आने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। आपका काम तो मेरे बगैर भी चल रहा है सर। तुम्हारे गांव में तुम्हारे परिवार को बहुत मानते हैं। ये गांव ही भारत है। इनकी सहायता के बगैर हमें अंग्रेजों से मुक्ति पाने की कोई उम्मीद नहीं। पर हम उनसे क्यों मुक्ति पाए सर? उनके आने से पहले ये सब कहाँ था? आपसी सहयोग से आपसी खुशहाली आती है। अब तुम भी सरकार की भाषा बोलने लगे। क्या तुम्हारे साहब इसमें विश्वास रखते हैं? हम अंदर चल के पूछें उनसे। पार्टनरशिप बराबर वालों की होती है मिस्टर नीलन, हमेशा याद रखना। कल आप क्यों नहीं आ जाते हैं? रोड के काम का इनॉग्रेशन है, आप खुद ही देख सकते हैं। इनॉग्रेशन? खाने पर रुक जाइए, वी सेलिब्रेट। अच्छा प्रोग्राम है हेनरी। मैं आपको कॉल करूंगा। ओके, कल मिलते हैं। मिलते हैं। बाय। बड़े हो गए हो। देखिए मम्मी टब लाई है। एक टब? आदत जो बढ़ चुकी है। कैसी रही ट्रिप? लवली, सबने हेलो कहा है। पता, नाना जी बहुत गुस्सा थे। पीटर? हाँ वो थे। उन्होंने कहा कि मम्मी और मैं लंदन में रहे जब तक आप बहुत पैसा ना कमाएं। ऐसा कहा? तो फिर कमा लेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक मेरी नाकामी का इंतजार है। तो करने दो, बहुत करनी है यहाँ। हेलो टीके। हेलो पीटर। हेलो टीके। हेलो मैडम। तुमने इनका ख्याल अच्छी तरह से रखा ना? यस मैडम। ये मुझ पर एहसान रहा। ये बॉक्स तुम्हारे लिए है, कुछ और बुक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू मैडम। टीके, सजानी ने मेरे लिए खीर बनाई है। साउथहैम्पटन से उसी की बात कर रहा है। तुम घर चलकर उससे खुद पूछ लेना। हाँ, हमें जाना चाहिए। ये रोज जाएगा सीधा यहाँ तक। इतना लंबा? सब आप बनाएंगे? हाँ, लेकिन ठीक है की मदद से। मेरी खीर। बहुत अच्छी है। थैंक यू सजानी। थैंक यू सजानी। यू आर वेलकम। डैडी बहुत जिद कर रहे थे कि हम वापस लंदन चले जाएं पीटर की पढ़ाई के लिए। कह रहे
थे कि वहाँ पढ़ाई लिखाई यहाँ से अच्छी है और आजकल वहाँ के हालात भी तो कुछ ठीक नहीं आउट। अब मेरी बैटिंग है। मैडम का सारा सामान अंदर कमरे में रख दिया है मैंने और मजदूरों को भी बुला दिया है टब के लिए। सचानी, वो जल्द ही आ जाएंगे। सचानी, और कोई हुकुम साहिब? बस करो प्लीज, तुम्हारी बात समझ ली। आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं जानता हूं ये आसान नहीं। हर चीज मैंने दांव पे लगाई है, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत। जानता हूं। आपने क्या लगाया है? I love you. तुम जानती हो मैं चाहता हूं हम दोनों हमेशा साथ रहे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है? बस नींद नहीं आ रही है। पता है डैडी ने फिर ऑफर दिया। मैं मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि उसे शेरबॉर्न जाना चाहिए, बेकार स्कूल है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि शायद जब हम वो रोड पूरा कर लेंगे तो इतने पैसे कमाएंगे डैड ने सोचे भी नहीं होंगे। आई बिलीव यू। तुम यहाँ खुश हो? अब हमारे पास टब भी है। तुम जहां भी रहोगे मैं खुश रहूंगी। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। कोई भी बड़ा काम आशीर्वाद से शुरू होना चाहिए। और ये नारियल किस लिए? जब हम नारियल तोड़ते हैं तो हमारा दिमाग इसकी सफेदी की तरह पवित्र हो जाता है। उधर, हाँ थोड़ा उधर। हाँ सजानी, तुमने मेरी एब्सेंस में घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। थैंक यू। माय प्लेजर मैडम। और तुम्हारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई है। टीके और मैं काफ़ी इंग्लिश में बात करते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा है ना? कितनी प्यारी है ना सजानी। यस। ड्रैगन फ्लाइज को पवित्र मानते हैं ना? यस मैडम।
वो क्यों? क्योंकि मरने के बाद हमारी रूह, हमारी आत्मा वो बदल जाती है इसमें। सच में? यस, हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है। चलो चार्ल्स, लेट्स हैव अ ड्रिंक। काश तुम हमारे साथ रह सकती। पर घर तो जाना होगा। कौन बनाएगा मेरे पति के लिए खीर? क्या बात है आजकल तुम्हें बहुत देर तक रोक रहे हैं? मैडम वापस आ गई हैं। तुम पवित्र जंगल में क्या कर रही थी? क्या? क्यों गई थी वहां पर? नहीं, मैं नहीं गई थी वहां। तुम वहां दिखी थी एक आदमी के साथ। सच में नहीं गई थी वहां? मुझे सच बताओ, कौन था वो? नहीं गई थी। झूठ बोलती है। बता मुझे कौन था वो? नहीं गई। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं गई थी। तुम्हें पता है बंगाल में मार्शल लॉ लगाना पड़ा है? सुना है। हर जगह पंजाब जैसे हालात हैं, ब्रिटिशों पर हमले हो रहे हैं, अचानक हिंसा। हाँ, पर केरला। रेक्स, क्वाइट। केरला में वो पर केरला केरला है। हाँ, केरला शांत है, शुक्र है। तुम्हें यकीन है कि तुम बारिश से पहले रोड का काम पूरा कर सकोगे? मुझे करना पड़ेगा। आप भरोसा रखिए। रख लिया। ओ, मुझे वहां जाकर देखना पड़ेगा, वो इतना नहीं भोगता। एक्सक्यूज मी। रेक्स, रेक्स, सचानी, क्या हुआ? उन्हें पता चल गया। आ मेरे साथ। ठीक है, क्या हुआ? पानी लाओ। ठीक है, जल्दी करो। क्या हुआ साहब? उन्होंने नहीं सोचा था मैं भाग जाऊंगी। तुम्हारा पीछा किया? नहीं, मैं नदी के पास छुपने गई थी, कोई नहीं था वहां। यकीन है तुम्हें? हाँ। वो सबसे पहले यहीं पे ढूंढने आएगा। उन्हें नहीं पता कि वो आप हैं। आपका नाम नहीं बताया। आपको इसके पति के साथ साथ एक और डर है, अगर पंचायत को इसकी कमी का पता चल गया। मुझे मत ले जाने देना, मार डालेंगे। पता है गांव में एक औरत थी, उसको अपने बालों से लटका दिया। ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होने दूंगा। साहब, साहब अगर ये यहाँ मिल गए तो आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे। वो इसे नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी फैमिली तक खतरे में। ठीक है,
घबराओ मत, हम तुम्हें कहीं छुपा देंगे। और आप आएंगे मेरे साथ है ना? आराम करो प्लीज। वो कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं। चार्ल्स आप जरा प्लीज देख कर आएंगे? ठीक है, तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें इसे यहां से ले जाना होगा। यहां से ले? ठीक है प्लीज। नहीं सैद, नहीं, मैं उसे नहीं ले जा सकता। अगर पंचायत को पता चला कि मैंने मदद की तो मुझे नहीं छोड़। इसके बारे में कल बात करेंगे सैद। हेनरी, ठीक है, तुम्हें इसको यहां से ले जाना होगा, हम सब लोगों की खातिर। वो कहां जाएगी सैद? उसके पास कुछ नहीं। लो, उसे दे दो, कैश बॉक्स में जो है वो भी ले लो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। हेनरी! चार्ल्स! तो तुम यहाँ हो, हम तो समझ रहे थे कि तुम्हें शेर उठा कर ले गए। एक घोड़ा निकल गया था, गेट का लैच निकल गया था। तो अब सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ठीक है, संभाल लेगा। चलिए। ओह, ये तुम ठीक हो ना? हाँ? ये शायद डाली से कट गया, मैं ठीक हूँ, चलो अंदर। अभी तक आए नहीं। याद है जब हम छोटे थे इन्हीं पेड़ों में खेला करते थे? मैं सीता बना करती थी जिसे रावण ने पकड़ रखा था, और तुम और मानस तलवारें लेकर मुझे बचाने आते थे। ताड़ के पत्तों से तलवारें बनाई थी। तुम दोनों बारी बारी उत्तु श्रावण को मारते थे, और फिर हम लोग भाग जाते जंगल में मजे से आम और कटहल खाने अपनी जीत की खुशी में। पर वो कहाँ है? वो नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो? वो चाहते हैं तुम जाओ। नहीं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अब समझ आया, ये सब तुम्हारी चाल है। उसने ये रुपए तुम्हारे लिए दिए हैं, रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए। झूठ बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? ठीक है, वो मुझे बहुत चाहते। वो अपनी पत्नी और बच्चे को चाहते है सजानी। मैं नहीं जा रही। तुम वो तूफान लाओगी जो सबको डुबा देगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, तुम नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं तुम्हें गांव ले सकता हूँ। पंचायत फैसला करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। ये तुम्हारी मर्जी थी,
मर्जी? मेरी कब क्या मर्जी रही है? उस आदमी से शादी करना मेरी मर्जी थी? पता है अगर तुम यहाँ रुकी तो क्या होगा? ना सिर्फ तुमको बल्कि मोर्स को। पर अगर मैं गई तो अकेली कैसे रहूंगी? और अगर रुकी तो? तो जात से बाहर हो जाऊंगी। वो तो हो चुकी हो। जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। लेट जाओ सब लोग, लेट जाओ। सर, थैंक यू सो मच ओलिवर। ठीक है, तुमने सजानी को कहीं देखा? वो आज यहाँ नहीं आई। शायद वो बीमार होगी मैडम। अरे हाँ, यही लगता है, पर उसने आओ, कोई बात नहीं, वो ठीक है ना? कहाँ भेज दिया उसको? उसको नाव में बिठा दिया, उत्तर की तरफ। थैंक यू, ठीक है। मनु, नीलम, सजने लापता है, कहीं मिल नहीं रही। क्या हुआ? वो दो दिन से कहीं नजर ही नहीं आ रही। मुझे डर लग रहा है कहीं जीजा ने तो कुछ कर नहीं दिया। साहब, ये है मानस, सजानी का भाई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सजानी ठीक है ना? हमें उसकी फिक्र हो रही थी। मेरी बहन इज मिसिंग। मिसिंग? नो। आपने उससे कहीं देखा? नहीं, परसों रात वो गई, तब से नहीं। वो घर ठीक ठाक पहुंची थी? हाँ साहब। फिर क्या हुआ, अचानक गायब? अगर आपको दिखे तो कहना, कहना मेरे पास आने को। हाँ हाँ, चिंता मत करो, हम उसे जरूर कह देंगे। पर वो कहाँ गई होगी? हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। नाम नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरो मत, मैं संभल के आई, किसी ने नहीं देखा। मैंने कहा ना, मोर्स तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हम सबको मरवा दोगे। मुझे पता, तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो। सजानी, अच्छा हुआ आप आ गए। पता नहीं ठीक है क्या सजानी, क्या बोल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। पर टीके ने तुम्हें यहाँ से भेजा क्योंकि मैंने उसे कहा था। हाँ, मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। मेरी जान या फिर अपनी? सजानी, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम यहाँ मिल गई, हम सबकी जाने खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारी, मेरी, टीके की, मेरी फैमिली की। तुम्हें जाना होगा। ऐसा तुम कह ही नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सजानी, कहा क्या आपका वो प्यार, हाँ, और आपकी वो बड़ी बड़ी बातें। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ यही एक तरीका है। देखो, मैं अच्छी तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी, पर तुम्हें जाना होगा। You love me? सजानी, बताओ क्या आप मुझसे प्यार करते? नहीं। सजानी, रुको प्लीज। सजानी, नो, Laura? Oh, तुमने तो डरा दिया। I'm sorry. क्या बात है? एक घोड़ा फिर से बाहर निकल गया है
टीके और मैं उसको वापस लेकर आते हैं। ओह, पर लच ठीक कर दिया था ना? ठीक तो किया था, बट मुझे देर होगी। ठीक है, पर संभल के जाना। ये गलत है, अंतिम संस्कार होना चाहिए। तुम आग जलाना चाहते हो? वो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। अब बात नहीं समझ रहे साहब, अगर इसको नहीं जलाया तो इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं सब समझता हूं, पर ये नहीं हो सकता। मेरी बहन अब तक नहीं मिली, क्या आप लोग सब मेरी मदद करेंगे? भाइयों, कृपा करके मेरे साथ चलो, पंचायत ने मेरी बहन को ढूंढने का फैसला किया है। क्या मना? हम दीदी को ढूंढने जा रहे हैं, आ रहे तू? चलो। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है? वो सजानी को ढूंढने जा रहे हैं सर। ठीक है, प्लीज कुछ करो, रोको उन सबको। हम उन्हें रोक नहीं सकते सर। हाँ,
नीलन चलना। फाइनली कल एक इंस्पेक्टर मिलने आ रहा है। क्या, कौन इंस्पेक्टर? कब कांटेक्ट किया उसने? मैंने उनको कांटेक्ट किया सजानी के खोने के बाद। लॉरा, कमाल है उनको इतनी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, हमें इस तरह के मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझसे पूछो तो हेनरी, एक लड़की का गायब होना सब लोगों का मामला है। पापा, इंस्पेक्टर सजानी को ढूंढ लेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। तो वो हमेशा की तरह मंगलवार रात को गई, उसके बाद आपने उसे नहीं देखा? बिल्कुल ठीक। हम समझे वो बीमार है, पर उसके भाई ने आकर बताया कि वो गायब है। आपने बताया था वो पैदल गांव जाती थी? जी हाँ। पर मैंने सुना है आपने उसे टीके के साथ गाड़ी में भेजा। नहीं। वो हाँ, कुछ दिन पहले, देर हो गई थी। क्या वो खूबसूरत है? हाँ, बहुत। जी हाँ हाँ हाँ। काश हम आपकी और मदद कर सकते हैं इंस्पेक्टर। आपने काफी मदद की, थैंक यू। मैं दोपहर से खोज शुरू करूंगा। ये गांव कहां पर है? आपको टीके वहां ले जाएगा। टीके नहीं जा सकता। प्लीज डार्लिंग, हम इतना तो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स सर, टीके आपको ले जाएगा। थैंक यू मिसेस मूर्स, मिस्टर मूर्स। थैंक यू। सबको भर लेना। पौनी पौनी। भैया सजनी को कहीं देखा है? हमें पता नहीं, वहां पर पूछ लो। तुम लोग वहां पूछ लो। मॉर्निंग ठीक है। कुछ लोग वापस आ गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इस तरफ चलते हैं। मानस वो अब नहीं मिलने वाली है, चलो भैया चलते। भाइयों अभी मत जाओ, एक दिन और। भाइयों भाइयों ने अड़तु पानी के वंडे जाने कर कुरुंबा मोकडे। भाइयों मत जाओ। शुक्रिया शुक्रिया।
जल्दी जल्दी। कभी भी तुम्हारे गन के सामने, कभी भी तुम्हारे गन के सामने किसी को रहने मत देना, किसी को रहने मत देना। वो देख वहाँ पर, देख कहाँ पर, वहाँ समय पकड़ो, हेलो हेलो। ठीक है, वहाँ और लोग चाहिए। बेहतरीन काम। वहां पर सर क्या बात है? ये रजत, सजनी का पति। पीटर तुम अंदर जाओ प्लीज। उसका उसका सामान यहाँ पड़ा है, है ना? उसका सामान? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मेरी मेरी बहन। अरे बताना इसे क्या हुआ। सजनी की लाश मिल गई है। ओह नो, आई एम सॉरी, सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख हुआ। इन्हें पता कैसे मरी? गोली लगी थी। ओह माय गॉड। उसके सामान के बारे में बता, उसको बोल अभी चाहिए सब। ये अंतिम संस्कार के लिए उसका सामान लेने आए हैं। हाँ क्यों नहीं, हम अभी ले आते हैं। नहीं साहब, साहब इनको अंदर जाने दो, ये हमारा रिवाज है, उसकी चीजें लाना इनका फर्ज है। इस तरफ। चल ले ले। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता यहां पर सजाने की कोई चीज होगी। पीटर प्लीज अपने रूम में जाओ। हेनरी, लॉरा, हेनरी, बस बहुत हो चुका। तुम सजाने की चीजें ले जा सकते हो, पर मेरी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। निकलो यहां से। भाई साहब आइए। ए, तुझे बोलने में क्या जाता है? मेरी बीवी मरी है। ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये मेरा घर है। चलो निकलो। चलिए चलिए।
पापा, सजनी कहाँ चली गई? वो गई बेटा, और अब वो कभी नहीं आएगी। क्या वो ड्रैगन फ्लाई बन गई है? हाँ, अब सो जाओ बेटे। पीटर ये सब भूल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई सजानी को क्यों मारना चाहेगा? मालूम नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने देखा वो हमें किस तरह देख रहे थे? हाँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके पति को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रहा था? कहीं टीके और सजानी के बीच नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। देखो अब मामला पुलिस के हाथ में है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर मोर्स, आ जाओ हेनरी। ये यहाँ क्या कर रहा है चार्ल्स? बैठ जाओ। नहीं ठीक है, थैंक यू। आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बैंक ने अपना कर्ज वापस मांगा है। क्या? दिस इज नॉट डन, सब काम पूरा हो चुका है। पता है, पर सच ये है कि मैं बैंक को यह प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने की सलाह नहीं दे सकता, गाँव के हालात वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, तो सारा मामला ये है। हाँ कहो। वो लड़की तुम्हारे यहाँ काम करती थी हेनरी, तुम्हारा काम करती थी, और उसकी हत्या एक इंग्लिश पिस्टल से हुई। तो क्या ये समझते हैं कि हत्या मैंने की, या आप ऐसा समझते हो? नहीं,
असल में मैं चाहता हूँ ये सारा मामला खत्म हो जाए, जो हो सकता है अगर मुजरिम गांव का ही कोई आदमी निकले, फिर ये पूरा आदिवासी मामला होगा, होगा ना? ये भला इंस्पेक्टर केस से हट जाएगा और फिर मैं हालात के बिगड़ने की परवाह किए बगैर ही बैंक वालों को मना लूंगा। और हाँ, मुझे ये बताया गया कि तुमने अपने आदमी को एक पिस्टल दी थी, एक इंग्लिश पिस्टल। क्या लड़की की हत्या उसी हथियार से हुई हेनरी? तो आखिर ये आदिवासी मामला है क्यों? ऑफ कोर्स ये आदिवासी मामला है, मुझे तो पहले से ही शक था। कोना कोना देख लो। चल ले जाए इसे। जा सो जाओ लौरा। मैं सो जाऊं? ये सब होते हुए मैं कैसे सो सकती हूं? मैं ऐसे नहीं रह सकती हेनरी। तुम सो जाओ। ये सब तुम्हारी करनी है ना? क्या ये तुम क्या कह रही हो? जब से मैं आई हूं यहां पर सब कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुमने उसे मारा? उसने खुदकुशी की। उसने ऐसे क्यों किया हेनरी? बेटा तुम सो जाओ, प्लीज प्लीज। जाओ बेटा, सब कुछ ठीक है। अब हमारा क्या होने वाला है? हमारे साथ वो क्या करेंगे उसके लोग? हम सुरक्षित हैं, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे मालूम? उन्हें टीके पर शक है। ओह हेनरी,
बेटा बताओ, ये नीच काम तुमने किया है? मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने किया है बताओ सबको। नहीं पिताजी, मैंने नहीं किया। इस गोली से सजनी की हत्या हुई है, कहां है तुम्हारा पिस्तौल? पिस्तौल? हाँ, जो तुम्हारे साहेब ने दिया था, तुमने मानस को भी दिखाया था, वो पिस्तौल। उसको मैंने बेच दिया। झूठ बोलता है, देखा इसके घर पे मिला है। क्या ये तुम्हारा पिस्तौल है? तुमने उसे मारा? मानस किधर आओ। नहीं बेटे, सच बताओ मुझे, तुमने सजनी को मारा? मैंने उसे नहीं मारा पिताजी। इसने पिस्तौल के बारे में भी झूठ बोला और अभी भी झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, यही हत्यारा है, मैं बोलता हूं। तुम्हें नहीं लगेगा, तुम्हारा बेटा है ना। देखो नीला, तुमने यहां पंचायत के सामने कसम खाई है फिर भी झूठ कहा। कम्मादन को फैसला करने दो कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। बस कम्मादन को फैसला करने दो, यही ठीक है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अब पूरी पंचायत ये अग्नि परीक्षा देखेगी। अगर ये गुनहगार है तो सजा है मौत। तुम सिर हिलाए बगैर 3 बार इस गरम लोहे को चाटोगे, ना दाएं से और ना बाएं से, ना ही तुम्हारी जबान को दांतों से घिसोगे। फिर कुल्ली करके बाहर थूक दो। अगर तुम्हारी जबान पर दाग आया तो तुम झूठे हो, और अगर तुम्हारी जबान साफ रही तो तुम सच बोल रहे हो। ओम होमकुंडम अग्निकुंडम पाप निवारणम पुण्यकारकम, हो प्रकट प्रकट अग्नि ज्वाला, कर सच झूठ का यही फैसला। ओम राम ह्रीम रूम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। जबान दिखाओ। पूरी तरह अब पंचों को दिखाओ। ये लड़का सच बोल रहा है, मैं गवाह हूं, ये बेगुनाह है। मैं नहीं मानता ये सब, यही मेरी बीवी का हत्यारा है। नहीं, इस सब का कारण तुम हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नीला, मुझे पता है तुमने सजनी को नहीं मारा, पर मुझे विश्वास है कि तुम हत्यारे को जानते हो। देखो बेटा, यही वक्त है हम सबको सच्चाई बता दो। उसने खुद को मारा। फिर से झूठ बोल रहा है, फिर से। एक लाश पिस्तौल को किसी भी हालत में छुपा नहीं सकती है। मुझे ये बताओ कि झरने पर सजनी के साथ कौन था? मैं वो नहीं बता सकता। तुम एक मौत का राज हम सबसे छुपाओगे,
किस लिए बताओ नीला? वो था मोर साहब। तुम ये सब जानते थे पर कुछ नहीं किया। सब कुछ देखकर आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम दोनों तरफ रहना चाहते थे। एक सीधे रास्ते पर कोई नहीं भटकता लेकिन तुम रास्ते से भटक गए। अब वापसी का रास्ता तुम्हें अकेले ढूंढना पड़ेगा। अकेले, याद रखना। शादी के बंधन की रक्षा होगी और उसे तोड़ने वाले से हम बदला लेंगे। अब इसका इंसाफ तुमको करना है वरना तुम जहां जाओगे बदनामी तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारा पीछा करेगी। जब तक तुम गुनहगार को नहीं मारते तुम जात से बाहर रहोगे। हमारे जीवन से तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। सब रेडी पीटर? हाँ, पर मैं नहीं जाना चाहता। पता है, बी अ गुड बॉय एंड मम्मी की अच्छी देखभाल करना। आप कब घर आएंगे? कह नहीं सकता पर देखते हैं। इंग्लैंड पहुंचने के बाद मुझे खबर करोगी ना? संभल कर जाना। बाय। मैं खत लिखूंगा। बाय। नमस्ते साहिब। मानस, क्या हुआ, क्या बात है? मैं सोच रहा था आप मुझे कोई काम दे दे साहिब। नहीं, इस वक्त नहीं, आई एम सॉरी। आपका बिजनेस बढ़ गया है साहिब, आपको मदद के लिए कोई चाहिए ना? टीके कहाँ है? टीके? गोली मार, खत्म करते उसे, मारना। मार दे, ये तेरा दोस्त नहीं है, सब कुछ दिखा हुआ है। अगर तू नहीं मारेगा तो बिरादरी वाले मारेंगे, तू जात के बाहर हो जाएगा।
किसी काम का नहीं है, जिंदगी भर गुलामी रहेगा। छे ठीक है। नहीं नहीं सर, देखो साहब सड़क टिकी रहेगी, टिकी रहेगी, ये आपकी और मेरे बाद भी रहेगी साहब। अब ये हमारी नहीं है, कभी थी नहीं, आप चले जाइए साहब, चले जाइए।